हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जब फेस की बात आती है तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई भी हमें कुछ भी होम रेमेडीज रिकमेंड करता है, हम उसको अप्लाई करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी स्किन ग्लो कर रही है तो हमारी भी ग्लो करनी चाहिए। और यही वजह है, जब हमको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है तो हम कुछ भी अपने स्किन के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं और हो जाती है हमारी स्किन खराब। चलिए आपको मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था न्यूज़पेपर में, और उस आर्टिकल में लिखा था कि बेकिंग सोडा फेस पे अप्लाई करने से स्किन ग्लो करती है। तो बेकिंग सोडा को मैंने वाटर में मिक्स करके वाटर से अपना फेस वॉश किया था, और इस तरह मैं कम से कम एक वीक से लेके दो वीक तक करती रही। आफ्टर टू वीक्स मैंने डिफरेंस देखा, मेरे स्किन पे ग्लो आना स्टार्ट हो गया था। बट प्रॉब्लम ये हुई कि मेरी जो स्किन है बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी। इतनी ड्राई हो गई थी कि मेरे स्किन पे रैशेज आ गए थे और कटने लग गया था, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया था। उस टाइम मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं थी और मैंने मिस्टेक किया। मिस्टेक मेरा ये था कि मैंने उस आर्टिकल को पढ़ के बिना रिसर्च किए उस टिप्स को फॉलो किया। आज मुझे मालूम है बेकिंग सोडा स्किन के लिए अच्छा नहीं है, तो आइए चलिए जानते हैं कि बेकिंग सोडा हमारे स्किन के लिए अच्छा क्यों नहीं है। बेकिंग सोडा का काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट है स्किन के ऊपर, जैसे कि आपका स्किन का पीएच इम्बैलेंस हो जाएगा। कि मैंने आपको पहले बताया था, बेकिंग सोडा के एप्लीकेशन से आपके स्किन के ऊपर रैशेस पड़ने के चांसेस है, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, या फिर आपकी पूरी की पूरी स्किन रेड हो सकती है। अगर आपको एक्ने के प्रॉब्लम है तो आपके डर्मेट आपको कभी भी बेकिंग सोडा रिकमेंड नहीं करेंगे। भले ही वो किसी और होम रेमेडीज़ के लिए आपको हाँ बोल सकते हैं, बट बेकिंग सोडा के लिए नहीं। बेकिंग सोडा के एप्लीकेशन से कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, जैसे कि आपके लिप्स स्वेल हो सकते हैं, आपके टंग स्वेल हो सकती है, आपकी स्किन पे रैशेस पड़ सकते हैं, आपकी स्किन बर्न कर सकती है, आपके स्किन पे किसी भी तरीके का इरिटेशन हो सकता है। बेकिंग सोडा के एप्लीकेशन से आपकी स्किन भी ज़्यादा ड्राई हो सकती है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि बेकिंग सोडा स्किन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। किसी की भी बातों में आके कुछ भी अपने फेस पे ना लगाइए। अगर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए तो अपने डर्मेट के पास जाइए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, या फिर ऐसी कोई होम रेमेडीज लगाइए जो आपके स्किन को परफेक्ट रिजल्ट दे और आपकी स्किन के लिए भी सेफ हो। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।